तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ लंच, और आज लंच में बना रही हूँ मैं दाल गोश्त। ये देखिए, आज मैंने बनाया दाल गोश्त, और यहाँ पर चावल बने हैं, ये मैंने बनाया सलाद। इसको अभी मुझे इसमें ना विनीगर डालूंगी, या फिर लेमन जूस जो भी डालो, मैं ना एप्पल साइडर विनीगर डालूंगी, एप्पल विनीगर। तो ये दाल जो है वो मेरी रेडी हो गई है। इसका तड़का बनाती हूँ और इसमें तड़का लगाती हूँ। तड़के के लिए मैंने प्याज काट के रखी हुई है। अभी मैं निकालती हूँ विनीगर। कहाँ गए तुम, इतने पीछे क्यों छिप गए तुम? इसको रेडी करके रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसको खाने का मज़ा ही अलग आएगा। यस, मिक्स करते हैं, मिक्स 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 मिक्स। मज़ा आ गया। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अभी जब खाना खाएंगे फिर इसको निकाल लेंगे। इसे रखते हैं वापस और करते हैं इसका तड़का तैयार। क्या है ना, इसे इतना पतला मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना, तो फिर और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो ज़्यादा थिक दाल मुझे अच्छी नहीं लगती है, और चावल के साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो इसीलिए अभी इसको यहाँ रखती हूँ, इसका तड़का बनाती हूँ। तड़के के लिए मैंने तवा लिया, तवा। अब जब तक ये तेल गर्म होता है, इसमें डालती हूँ मैं ये हरा धनिया। क्या है ना, हरे धनिया के बिना कोई भी खाना जो है वो कंप्लीट नहीं होता, मेरा तो नहीं होता, और बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब बहुत कम डालने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, तो वो कहते हैं कि मम्मा आपने इसमें हरी मिर्च डाली है, हरे धनिया को, इसलिए मैं कम डालने लगी हूँ। अब इसको ढक के रख देते हैं और तड़का बना लेते हैं। तो गाइस, लग गया हमारा दस्तरखान। ये देखिए सलाद है, ये हमारा दाल गोश्त है, और अब देखिए कितना अच्छा हो गया है ना, ठंडा होने के बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। और ये हमारे राइस, ये मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, ये हम दोनों खाएंगे, हस्बैंड जी और मैं। शायद आपको लगे कि मैं अकेले खाने वाली हूँ, तो अकेले नहीं खाऊँगी, इसमें हम दोनों का है। लीजिए, मैं आपको भी देती है, नहीं देती हूँ। तो चलिए, मैं हाथ से खाती हूँ, मुझे हाथ से खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि खाने का असली स्वाद जो है वो हाथ से ही आता है। मज़ा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना मैंने लंच से स्टार्ट किया है। मम्मा बताओ, मैं क्या बोला? समझ नहीं आया क्या बोला तुमने, अंदर ही अंदर बोल लिया। नहीं माँ, मैं बिना आवाज में बोलूंगा, आपको आवाज में बताना है। बताइए, आप बताइए, आप पहले, आप दोबारा से बोले तो ना। नंबू है गंजू बाबू, मैं कच्ची गली बोलूंगी। मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला? ब्लॉग मॉन्स्टर एनर्जी। तो मुंह के अंदर अंदर बोल देते ना, इसलिए मुझे पता नहीं चलता। अरे मैं उसको ऐसे कट कर लूं, मॉन्स्टर। मजा आ गया, मजा आ गया, मीठा मीठा। नहीं नहीं कंटा नहीं, जानू मुझे तो मीठा मीठा लगा, मैं और खाऊंगी। मैं इंसान हूँ अम्मा। मैंने कब कहा तुम इंसान नहीं हो, तुम तो सोने हो, सोना सोना। अल्लाह ने, मैं थोड़ी ना डूब जाऊंगी, मैं थोड़ी ना आम हूँ। तुमने आम याद दिला दिए, आम। चलो आज अभी चलते हैं, पापा जी की आज शाम के वक्त छुट्टी है, तो पापा घर पर रहेंगे। बेबी शाम को छुट्टी है। और आगे, और आगे मेरे कान में कच्ची कर लूँ, कच्ची कच्ची। तो क्या है, आज ना हसन जी की शाम को छुट्टी है ना, तो चलते हैं हम लोग आज। मम्मा का मन क्या बोला? पता नहीं, ये बुक्स रख के आए सर। अब बताओ मैंने क्या बोला? अब पहले मुझे छोड़ो तो। मुंह के अंदर ही अंदर बोल दिया मैंने। हाँ, बताओ क्या बोला? अंदर अंदर बोल रहा ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है मुझे। मॉन्स्टर,
और अभी देखते हैं हस्बैंड जब नीचे गए हैं आते हैं तो देखते हाँ बोलो चलो ठीक है मैं बार बार पता कहते कहते रुक जाती हूँ बार बार बीच में ये लोग आ जाते हैं लेकिन चलिए अभी हस्बैंड जी नीचे गए हुए हैं तो वो जब आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आज कहीं अगर लेके चलते हैं तो अच्छा है क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा हुआ है सुहाना मौसम है कहते हैं दो तीन दिन से ना हमारे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी थोड़ी देर यहाँ हवा लूँगी फिर उसके बाद चलते हैं अंदर मेहमान आ गए हैं। फ्रेंड्स पूरे एक घंटा हो रहा है इनको बोलते बोलते एक तो इतनी देर में नीचे से आए और अब कब से बोले जा रहे हैं चलो कहीं घूम कर आते हैं शाम को घर पर हो तो अभी घूम के आते हैं अच्छा लगेगा बच्चों को भी और हमें युवती को फोन चलाने में लगे हुए हैं हमजा भी नाराज हो गए ना हमजा हाँ मुँह से बोलो बेटी और रैयान नाराज होके उधर बैठे हुए रैयान पापा नहीं जा रहे बेटी कहीं भी घुमाने नहीं ले जा रहे क्यों तू सब फोन में घुसे किसी को भी मतलब नहीं है अब गुस्सा आया इसी बात पे मैं जा रहा हूँ खेलने मैं कहाँ जाऊँ मुझे भी बता दो कोई मुझे भी गुस्सा आ रहा है अरे मुझे भी गुस्सा आ रहा है बाप बेटे अपना अपना टाइम तो बता लेते मुझे कहीं जाने को मिलता है रैयान चलो चलो रेडी हो जा धिंक चिक्का धिंक चिक्का धिंक चिक्का धिंक चिक्का धिंक चिक्का बाबू अब तो पापा कार्टून देखना पापा माने हो तो अब तुम नहीं चल रहे चलो जल्दी चलो चलो डोसा खाने डोसा नहीं खाओगे क्या नहीं मानूंगा डोसा खाओगे नहीं इसको तो मैं ऐसे मना लूंगी ऐसे रुलाओ मत मैं तो रुला रही मैं तो कह रही खुशी खुशी चलो पापा जी अब माने अब तुम ड्रामे करने लगे फाइनली देखिए रेडी हो गए हैं हम रैयान भी रेडी हैं रैयान क्या पढ़ रहे हो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं और मैं दिखाती हूँ मैं भी रेडी हूँ ये देखिए मैं भी रेडी हो गई हूँ और चलते हैं अभी देखते हैं डोसा खा के आते हैं कभी मन कर रहा है डोसा खा कर आए कभी हम कहते हैं कि नहीं दूसरी जगह चलो तो देखते हैं भाई कहता है कि चिज्जी का तो पता नहीं कितना इन लोग को शौक है आज हम लोग कहाँ गए थे ये जानने के लिए नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिए।